21-year-old girl who'd accused the Sultanpur Samajwadi MLA Arun Verma and seven others of gang raping her in 2013 was found dead behind her village's Panchayat Bhavan late on Saturday night. The body of the girl has been sent for autopsy and the police suspect strangulation. In 2013, an FIR was lodged against the MLA and seven others. However, during subsequent investigations, the police claimed the location of the MLA through his mobile phone was traced to Lucknow on the day of the incident. And in court, the victim reportedly changed her statement a few times. Sir, मतलब घर पे जो हम आए, घर वाले बताने लगे, 7 और 8 के बीच में घर से मतलब लेटरिंग करके निकली. उसके बाद में मैं इधर उधर देखा, नहीं पता चली. 100 नंबर पे हमने फोन किया 10 बजे, तो मतलब 100 नंबर की गाड़ी आई, शेषपुर कोतवाल भी आई. तो ये लोग मतलब अपना चारों तरफ देखे ताकि घंटों तक. उसके बाद हमको कहे तुम चलो घर में, बच्चे लोग को देखो. ये तो एक हमारे खिलाफ साजिश है, राजनीतिक षड्यंत्र है. और रही बात इस तरह की घटना है, मैं तो चाहता हूँ कि इसकी निष्पक्ष जांच और सीबीआई जांच इसकी होनी चाहिए. जो दोषी है उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए. मामले देखिए, आप लोग सब जानते हैं, उससे क्यों पूछ रहे हो. हर पूरा जिला जानता है, ठीक है. राजनीतिक षड्यंत्र के बाद मेरे साथ इस तरह लगा कि साधारण परिवार से मिलकर राजनीति में. और मैं यही मांग करता हूँ कि इसका जो है उच्च स्तरीय जांच हो, दूध का पानी अपने आप सामने आ जाएगा.